क्या ये घर उसका अपना नहीं है? अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा। उसने गुस्से में ये कह भी दिया तो तू क्यों उसे छोड़कर चली आई? बेटी, रूढ़े पति को मनाना और अपना घर बसाए रखना ही औरत का धर्म है। और उसका कोई फर्ज नहीं, वो भी तो मुझे लेने आ सकता था। अगर तेरा पति ये उम्मीद करता है कि बात करने में पहल तू करे तो ये उसका हक है। बेटी, आज तुझे अपना घर छोड़े 15 दिन हो गए। पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह दूर रहे तो मोहब्बत का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होकर टूट भी सकता है। तुम्हारी तनख्वाह? तनख्वाह? हाँ मौसी, मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। मैं आज शाम ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है? जाने से पहले एक बार प्रीति से जरूर मिल लेना। मेरा दिल कहता है कि वो भी अपना घर छोड़कर जरूर पछता रही होगी। सामने जाओगे तो शायद तुम जाने का इरादा बदल दो और वो लौट आए, फिर से ये उजड़ा हुआ घर बस जाए। जानती हूँ बेटी, तू उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन जरा सोच उसका क्या हाल होगा। उसका तो तेरे सिवा कोई भी नहीं। जा उसे फोन कर ले, इस वक्त वो ऑफिस में होगा। जा बेटी। यस अजय साहब है? वो तो नौकरी छोड़ गए। ही हैज लेफ्ट द जॉब। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आज तक जो तुम चाहते रहे होता रहा, अब जो वो चाहती है होने दो। वो क्या चाहती है? वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। जी मैं हैरान हूं, इतने दिन उसने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे? जिसने जिंदगी में दुख ना देखे हो, गुर्बत में उसके सर से मोहब्बत का भूत एक ही दिन में उतर जाता है। यह रहा आपका पासपोर्ट और लंदन का टिकट। थैंक यू। आपकी शॉपिंग के लिए पाउंड्स का इंतजाम मैंने लंदन में ही कर दिया है। और हाँ, अगर प्रीति को कोई चीज मंगवानी हो तो उससे पूछ लीजिए। डैड। अरे आओ बेटी आओ, हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर लंदन से कोई चीज मंगवानी हो तो अपनी मम्मी को लिस्ट दे देना। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अजय से मिलने चली जाऊं। उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके बावजूद भी? वो मेरे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति को परमेश्वर समझती थी और जिंदगी भर उसकी पूजा करती थी। आज तो पति पत्नी 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसे अगर तुम्हारी जरूरत होती तो वो खुद नहीं आ सकता था? बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, तुम्हारी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं अजय से मिलने जाऊंगा।
अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है तो मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। चलो कामिनी। आपने कैसे तकलीफ की? बेटी का बाप जो ठहरा, प्रीति की जिद ने आज मुझे दोबारा यहां आने पर मजबूर कर दिया। पहली बार आप अंधेरे में आए थे इसलिए सौदा जम नहीं सका, आज रोशनी है। कहिए इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी रजामंदी। किस बात की? ये क्या है? तलाकनामा। इस पे दस्तखत कर दो तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये रही इसकी कीमत। ठहरिए सेठ साहब। ये पैसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे। ओफो, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जानती है कौन आने वाला है? वो आ गए। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो बेटी। आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ तुमने किया है, उसने नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन मेरा कहा मान लिया होता तो आज मुझे ये सब कुछ न सुनना पड़ता। क्या कहा जैनी? उसने तुम्हारा अपमान किया, हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला और सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये देखो, उसने साफ साफ कह दिया प्रीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। ओफो शर्मा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, 5 लाख का कोटेशन भेज दीजिए। ओके। यस डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। वैसे आपके दामाद कहाँ हैं? क्यों? अगर वो यहां से दूर हैं तो उन्हें खबर भिजवा दीजिए, प्रीति जल्द ही मां बनने वाली है। व्हाट? मुबारक हो सेठ जी, भगवान करे बच्चा ऐसी तकदीर लाए जो बिछड़े हुए माँ बाप को मिला दे। कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ डैड, अब वो मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जब भी खबर सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि गुजरी हुई सारी बातें भूल जाएंगे। पागल मत बनो प्रीति। मेरा घर फिर से बस जाएगा डैड, खुशियों से भर जाएगा। मुझे जाने दो डैड। अजय, अजय मैं आ गई हूँ। अजय, अजय दरवाजा खोलो। अजय, अजय
तुमने बहुत देर कर दी बेटी, वो कल ही शहर छोड़कर चला गया। कहाँ? ये तो कुछ बताकर नहीं गया, कहता था जहां जिंदगी ले जाएगी चला जाऊंगा। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी, लेकिन ये बच्चा क्या सोच रहे हो? वक्त का रुख मोड़ दो और उसे पीछे चलने पर मजबूर कर दो। आया? ये सर। हमारे सफर की तैयारी करो, हम प्रीति को लेकर पहाड़ पर जाएंगे, उसका पहला बच्चा वहीं पैदा होगा। ये हत्या है, मैं किसी भी कीमत पर ये बच्चा जाया नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना ही होगा डॉक्टर। मेरे सामने एक जिंदगी का सवाल है और फिर बच्चा वक्त से पहले हो रहा है, हो सकता है आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़े। कुछ भी करो डॉक्टर, हमारी इज्जत पे लगने वाले इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। नहीं सेठ साहब, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, अगर आप उसे नहीं अपना सकते तो किसी और को गोद दे दीजिए। शंकर चाचा, डॉक्टर साहब ने कहा है आप हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर दुकान तो मैं संभाल ही रहा हूँ। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है जी बेटा, जब से तुम आए हो काम बढ़ता ही जा रहा है। इस बार पहाड़ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, लगता है बिजनेस भी अच्छा होगा। मैं चलता हूँ फोटोग्राफ सर्जन डेवलप करने। अच्छा बेटा जाओ काम पहले, कल मैं फिर आऊंगा। जीते रहो जीते रहो। प्रीति 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 प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर साहब, प्रीति को कुछ हो गया। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, ये बच्चा शहर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन लेकिन क्या सर साहब? प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है और वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी खुशियों के रास्ते में ये बच्चा कभी भी दीवार बन सकता है। वो बच्चे को नहीं अपनाएगी? जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी चीज से प्यार नहीं होता। आप उस बच्चे का क्या करेंगे? किसी अनाथ आश्रम में दे दूंगा। नहीं सर साहब, बाप के होते हुए बच्चा अनाथ आश्रम में पले, ये एक दौलतमंद बाप ही सोच सकता है, गरीब नहीं। उसकी अमीर मां दूसरी शादी करना चाहती है तो शौक से करे, बच्चा उसका गरीब बाप पाल लेगा। सर साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इस बात का वादा करो आज के बाद तुम प्रीति से कभी नहीं मिलोगे। मुझे मंजूर है। क्या बेवकूफी कर रहे हो भानु प्रताप? अजय कभी भी इस बच्चे को लेकर प्रीति के सामने आ सकता है और उसकी आने वाली जिंदगी में जहर घोल सकता है, फिर उसका क्या भरोसा? कल उसने तुम्हारे जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो? सेठ साहब, सेठ साहब, अमीरों का महल नहीं।